वेलकम टू साइंस सेंस। इस सीरीज में स्टूडेंट्स आप साइंस पढ़ेंगे नहीं बल्कि साइंस सीखेंगे। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रोल को। सबसे पहले तो देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपकी बुक क्या कहती है। आपकी बुक बताती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर उसका पूरा वेट एक्ट कर रहा होता है। लेकिन आज हम बुक की डेफिनेशन को लेकर नहीं चलेंगे बल्कि हम इसको आसान तरीके से देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। आसान बात यह है कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसा मैजिकल पॉइंट होता है जिस पर अगर आप सपोर्ट दें तो आप उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्क्वायर को देखें तो इस स्क्वायर पर मैंने ये जो पॉइंट मेंशन किया वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। भला क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पर सपोर्ट दूं तो मैं इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस स्क्वायर की जगह इस सर्कल को देखूं तो इस सर्कल के ऊपर भी मैंने वही मैजिकल पॉइंट आपके सामने मेंशन किया हुआ है। और अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर सपोर्ट दूं तो आप देखेंगे कि मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं। तो आपने देखा कि मैं स्क्वायर को या सर्कल को या इसी तरह से इस ट्राइंगल को भी बैलेंस कर सकता हूं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि शायद सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स पर ही एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सर्कल या स्क्वायर या ट्रायंगल पर। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आपके इर्द गिर्द हर एक चीज जो मौजूद है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये देखें, ये मेरे पास एक बर्ड है, इसका भी कोई ना कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और याद रखिएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी चोंच है। तो जब मैं यहाँ पर सपोर्ट देता हूँ तो आप देखें ये कितने अमेजिंग वे में बैलेंस हो जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो वो एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, कोई ऐसे एग्जांपल भी तो हो जिसको हम घर में चेक करें कि वाकई सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उसके लिए एक आसान सी डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक स्पून और एक फोर्क है और मैं इनको इस तरह से जोड़ता हूं। अब सोचें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि इस बॉडी के ऊपर ही कहीं होगा, लेकिन समटाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी जगह पर भी हो सकता है जहां आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। याद रखिएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पर है, यानी कि आउटसाइड दिस बॉडी है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर एक टूथपिक के जरिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं तो आप देख रहे ये इस पॉइंट के ऊपर बैलेंस हो गया। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी टूथपिक में एग्जैक्टली किस जगह पर है ये चेक करने के लिए आप क्या करें, इस टूथपिक को जलाएं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि एक बिल्कुल एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को बैलेंस रखने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो हम सीख चुके। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट कब तक बैलेंस रहेगा इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। इमेजिन करें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन हम इमेजिन करें, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ ग्रेविटी इस वक्त बेस में से पास कर रही है, और जब लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास कर रही हो तो ऑब्जेक्ट बैलेंस रहता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर मैं इसकी बेस चेंज कर दूं और इस सूरत में जब इसको छोड़ूंगा तो आप देखेंगे ये अपनी जगह पर स्टेबल नहीं है बल्कि फौरन फॉल करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नोट करें, जो हमारे पास लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो अब बेस में से पास नहीं कर रही बल्कि बेस को मिस कर रही है। तो इस सूरत में जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी जगह पर स्टेबल रहने की बजाय फॉल करेगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, हालांकि वो लीन कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की, कि हालांकि ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन है यानी कि लाइन ऑफ ग्रेविटी वो अभी भी इसकी बेस में से ही पास कर रही है। इस वजह से टेढ़ा होने के बावजूद ये अपनी जगह पर एज इट इज मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आइए एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आप अभी घर में कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अली इस वक्त मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि अली इस वक्त बिल्कुल बैलेंस पोजीशन में। उसकी वजह क्या है? अली का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तकरीबन यहां पर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर हम लाइन ऑफ ग्रेविटी इमेजिन करें तो वो अली के पांव में से पास कर रही है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब तक लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास करती है तो बॉडी स्टेबल रहती है, और यही रीजन अली की स्टेबिलिटी की भी है। लेकिन जरा इमेजिन करें कि अली आप इस ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करें। आपने देखा, अली इस ऑब्जेक्ट को नहीं उठा पा रहे। उसकी वजह क्या है? जब अली इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आगे को फॉरवर्ड मूव करते हैं तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आ जाता है।
जब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करके यहाँ आ जाता है तो इसके नीचे तो कोई बेस नहीं है, तो क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस यानी पांव से निकल गया तो अब ऑब्जेक्ट बैलेंस नहीं रह पाएगा और यही वजह है कि अली गिर रहे थे। अली आप इधर आइए। इस वक्त अली की जो बेस है वो दोनों पांव के दरमियान का ये सारा एरिया है, तो ये अली की बेस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है और लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस में से ही पास कर रही है। लेकिन अली जरा अपना एक पांव उठाए, आपने देखा अली ने पांव उठाने के लिए अपनी बॉडी पोजीशन चेंज किया। उसकी वजह क्या है, जब पहले अली पिछली पोजीशन में थे तो उस वक्त लाइन ऑफ ग्रेविटी के नीचे ये सारी बेस थी, लेकिन जब इन्होंने एक पांव पर खड़े होना है तो बेस तो सिर्फ एक पांव की रह जाएगी, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी का बेस में से पास करना भी जरूरी है। इसलिए अली ने पहले अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करके अपनी लाइन ऑफ ग्रेविटी को एक पांव के ऊपर लेकर आए ताकि लाइन ऑफ ग्रेविटी अभी भी बेस में से पास कर सके और फिर वो एक पांव पर खड़े हो सके। थैंक यू अली। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि गिरने से बचने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बेस के ऊपर होना कितना जरूरी है। हाँ, मगर मूवीज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बेस के ऊपर ना भी हो तो भी चलेगा। स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, बल्कि इसको शिफ्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इस रॉड के साथ दो यूनिफॉर्म मैसेज अटैच हैं, अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं तो ये इस पॉइंट पर यानी बिल्कुल सेंटर पर बैलेंस हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर है। लेकिन अगर मैं ऐसा रॉड लूं जिसके एक तरफ मैस ज्यादा और एक तरफ मैस कम है, तो आप देखेंगे अब ये सेंटर पर बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और जा चुका है। अगर मैं इसको ढूंढने की कोशिश करूं तो ये वो पॉइंट है जहां पर ये बैलेंस होगा। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब सेंटर में नहीं बल्कि शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हुआ है? मैसिव बॉडी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये याद रखना आप लोगों ने कि सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द मैसिव बॉडी। स्टूडेंट्स, एक और तरह से आपको समझाता हूं ताकि आपको ये बात याद रहे। देखिए, मेरे पास ये एक और ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोग जानते हैं सेंटर में होगा, तो ये शो किया मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इसको इस पोजीशन में बैलेंस कर सकता हूं, तो आप कहेंगे सर ये तो फौरन गिर जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल नीचे सपोर्ट नहीं है। तो मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आप धोखा खा गए। आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है, लेकिन मैंने इसके अंदर यहां पर एक बहुत हैवी मैस लगाया हुआ है और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो वो जो आपको यहां दिख रहा है वो असल में यहां जा चुका है, और अगर वो यहां पर है तो उसके बिल्कुल नीचे तो सपोर्ट है। यही वजह है जब इसको मैं छोड़ूंगा तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जरा देखिए, मेरे पास ये एक पीवीसी रॉड है। अगर मैं देखूं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रफली इस जगह पर बनता है, तो अगर मैं इसको यहां पर बैलेंस करने की कोशिश करूं तो नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि सपोर्ट तो यहां है, बेस तो यहां है। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से बैलेंस नहीं हो सकता। मैं क्या करता हूं, मैं एक हैवी मैस यहां पर लगा देता हूं। इससे क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोगों ने पढ़ा कि वो मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इधर क्योंकि मैसिव ऑब्जेक्ट आया है तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये इतना शिफ्ट हो गया है कि अब ये खुद बेस के ऊपर आ चुका है, और अब हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे जब बेस या सपोर्ट हो तो वो अपनी जगह पर स्टेबल रहता है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर भी आप कहेंगे सर कोई ऐसी एग्जांपल दे जिसको हम अभी इसी वक्त ट्राई कर सकें। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये मेरे पास एक कैन है जिसको मैं अगर यहां पर बैलेंस करने की कोशिश करूं तो ये बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके नीचे सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इस कैन में थोड़ा सा पानी डाल दें जो कि यहां पर मैंने डाला है, तो इस सूरत में जब आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बैलेंस हो जाएगा क्योंकि पानी की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होकर इस छोटी सी बेस के ऊपर आ चुका है, अब ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम कितनी अमेजिंग किस्म के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। कभी कभार आप इस तरह की बिल्डिंग्स देखते हैं जिनको आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है, लेकिन वहां पर भी इंजीनियर्स ने बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट किया होता है। या आप लोग देखते हैं कुछ लोग टीवी पर लेविटेट करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी असल में लेविटेट नहीं कर रहे थे बल्कि उन्होंने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट करके इस तरह का एक इम्पॉसिबल किस्म का बैलेंस क्रिएट किया होता है। स्टूडेंट्स, बचपन से हमारी ये ख्वाहिश रही है कि इस पेंसिल को इसकी नोक पर बैलेंस करें, लेकिन कुछ लम्हों से ज़्यादा ऐसा कर नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि इसकी जो बेस है यानी कि नोक है वो बहुत बारीक है।
अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेस के बिल्कुल ऊपर रखते भी हैं तो क्योंकि बेस इतनी बारीक है कि थोड़ी देर बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से निकल जाता है और बॉडी जो है वो फॉल करती है। तो क्या यहाँ पर कोई और रूल यूज होगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास एक अलग प्रिंसिपल है। अगर बेस बहुत छोटी हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेस के ऊपर लाने की बजाय हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेस के नीचे शिफ्ट कर देते हैं। कैसे? ये देखिए स्टूडेंट्स, आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि पेंसिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ दरमियान में होता है, लेकिन मैंने इसके साथ एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो अटैच कर दिया और आप लोगों को मैंने अभी बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ था तो वह अब मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, यानी बेस से नीचे आ जाएगा। इस सूरत में अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट दूँ तो आप देखेंगे अब ये पेंसिल नहीं गिरेगी और हमारी बचपन की वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसका मतलब बारीक बेस वाले ऑब्जेक्ट्स को भी बैलेंस किया जा सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें कि मैं इस रूलर को इस बेस पर बैलेंस करना चाहता हूं। आपको मालूम है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा फौरन से ये फॉल कर जाएगा। तो कैसे मुमकिन है कि इतनी सी बेस पर मैं इसको बैलेंस करूं? तो उसके लिए वही रूल है जो स्मॉल बेसिस के लिए, कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस बेस के बिल्कुल नीचे ले आए। लेकिन वो कैसे लेकर आएंगे? मैं एक हैवी मैस कनेक्ट करूंगा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाए बेस के बिल्कुल नीचे। तो उसके लिए मैं इस हैमर की हेल्प लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, जब ये हैमर जो है मैंने कनेक्ट की इसके साथ, तो आपने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के बिल्कुल नीचे शिफ्ट हो गया और इस सूरत में ये अपनी इस छोटी सी बेस पर बिल्कुल स्टेबल है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि टॉम एंड जेरी में जेरी को रस्सी पर चलते हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सर्कस में कोई शख्स ऐसा कर रहा हो तो उसको इस बारीक सी बेस पर चलने के लिए अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी रस्सी से नीचे रखना पड़ेगा। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कस वाले लोग जो हैं वो रस्सी पर चलने से पहले हैवी मैसेज जो है वो अपने साथ अटैच कर लेते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उनकी बेस के बिल्कुल, यानी रस्सी के बिल्कुल नीचे आ जाए और वो अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेबल रहे। स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने आप को एज लो एज पॉसिबल रखना चाहता है, यानी कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर मौजूद है तो वो उसी रुख चलेगा जहां उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जा रहा होगा, जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट, या फिर जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट उसी रुख चलेगा जिस रुख इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लेकर जाने की बजाय ऊपर लेकर जाए? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक धोखा था। अगर आप देखें तो यहां पर मैंने हैवी मैस अटैच किया हुआ है और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवी मैस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी बजाहिर जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहां नजर आ रहा है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवी मैस की तरफ शिफ्ट हो चुका है, एक्चुअली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है। तो वो ऑब्जेक्ट जो आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ही गया है। तो इसका मतलब कभी भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नहीं लेकर जाएगा, बजाहिर ऐसा लग जरूर सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, इस एग्जाम्पल में यहाँ हाइट ज्यादा है तो हो सकता है आपको लगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा हाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नहीं बल्कि नीचे ही गया है। अगर इन एग्जाम्पल्स ने आपको शॉक किया है तो सवाल ये पैदा होता है कि बचपन में जब आपने इस टॉय को खुद ब खुद ऊपर जाते हुए देखा था तो उस वक्त आप लोग शॉक क्यों नहीं हुए थे? स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखी। अब वक्त आ गया कि हम डिस्कस करें कि स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपके सामने मेंशन किया। जरा देखिएगा कि ये कितने एंगल पर जाकर गिरता है। तो आपने देखा ये तकरीबन 20 डिग्रीज पर जाकर गिर गया। लेकिन अब जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक बिल्कुल वैसी ऑब्जेक्ट है लेकिन मैं उसमें एक हैवी मैस ऐड कर देता हूं, और आपको मालूम है जब हम मैस एंटर करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया क्योंकि इसकी बेस मैंने हैवी कर दी है। अब जरा देखते हैं कि अगर मैं इसको टिल्ट करूं तो ये कितने एंगल्स तक नहीं गिरेगा। तो आपने देखा ये पहले के मामले में काफी स्टेबल है, ये तो अब 30 डिग्री पर भी नहीं गिर रहा जबकि पहला ऑब्जेक्ट 20 डिग्री पर गिर गया था। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा? पहली बात हम लोगों ने ये सीखी कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बेस को हैवी बनाते हैं, यानी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ले आते हैं, तो वो बॉडी जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि आम जो कार्स होती हैं उसके मुकाबले में
जो रेसिंग कार्स होती हैं उनकी जो बेस होती है वो काफी हैवी बनाई जाती है, उससे क्या होता है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है बिल्कुल इस तरह से। और जब उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा तो उसके नतीजे में आपने देखा कि जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई था वो गिर गई, लेकिन जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो था वो अपनी जगह पर एज इट इज मौजूद है। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि जिन चीजों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यही स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने देखा कि टग ऑफ वॉर्स में लोग इस तरह से अपनी पोजीशन लीन कर लेते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे हो जाए और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इसी तरह आप लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखने के लिए जो ट्रक या इस तरह के बड़े व्हीकल्स होते हैं उनकी जो बेस होती है उसको बहुत ज़्यादा हैवी बनाया जाता है। और आप लोगों ने एक और बात नोट की कि बसेज में लगेज रखने की जो जगह है वो भी बिल्कुल नीचे रखी गई है ताकि जब लगेज रखें तो बेस जो है वो हैवी होना शुरू हो जाए, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बेस को हैवी करने के अलावा क्या कोई और तरीका है? तो इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी बेस इतनी वाइड है, जरा देखते हैं ये कितना स्टेबल है। तो आपने देखा ये सिर्फ 25 डिग्री तक स्टेबल रह सकता है, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख दूं तो इसकी बेस बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये पहले के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, ये पहले के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है। तो यहां से हम लोगों ने एक बात सीखी कि जितनी बेस बड़ी हो जाए ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और ये बात आप लोगों ने एक बस में भी नोट की होगी, अगर बस जो है वो किसी स्मूथ रोड पर चल रही हो तो आप अपनी लेग्स जो है वो जोड़कर खड़े हो सकते हैं, यानी कि स्मॉल बेस पर स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन अगर रोड जो है वो स्मूथ ना हो तो फिर अपने आप को गिरने से बचाने के लिए आप अपनी लेग्स स्प्रेड करते हैं, यानी कि बेस को बढ़ा लेते हैं ताकि स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए। और ये सिर्फ आप नहीं करते बल्कि स्पोर्ट्स में आप देखते हैं कि बेसबॉल प्लेयर भी ऐसा करते हैं और टेनिस प्लेयर भी ऐसा ही करते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो ये दो रूल्स जो मैंने आपको बताए स्टेबिलिटी बढ़ाने के, यानी कि हैवी बेस इस्तेमाल करना और बड़ी बेस इस्तेमाल करना, आपको हर जगह पर दिखाई देगा। चाहे आप इस फैन को देख लें, इसकी बेस हैवी भी होती है और बड़ी भी होती है, या आप इस बंसन बर्नर को देख लें जिसकी बेस हैवी भी होती है और बड़ी भी होती है। तो आपने इर्द गिर्द देखें और ऐसी चीजें तलाश करें जिनकी बेस हैवी भी होती है और बड़ी भी होती है, आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट्स अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखना चाहते हैं, अगर ऐसा ही है तो ये एग ऐसा क्यों नहीं करता। और हम लोगों ने यह भी देखा कि ऑब्जेक्ट्स ज्यादा स्टेबल तब होते हैं जब उनकी बेस बड़ी हो। अगर ऐसा ही है तो एक साइकिल अपने बारीक टायरों पर किस तरह से स्टेबल रह सकती है ना सोचने की बात। तो स्टूडेंट्स, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारी वेब सीरीज साइंस सेंस।